द एंगल में आपका स्वागत है। कृषि कानून केंद्र सरकार की गले की फांस बन चुका है। वहीं इन तीन नए कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अब ये तीनों कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धरती का अन्नदाता पिछले काफी समय से कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। ऐसे में आम जनता किसानों और सरकार के बीच में पिस गई है। एसोचैम और उद्योग जगत ने कहा कि किसान आंदोलन की वजह से 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने कृषि आंदोलन को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार बिना अन्नदाता के आशीर्वाद से नहीं बनती है, तो ऐसे में केंद्र को बड़प्पन दिखाते हुए उनकी बातों को मान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार को किसानों के आंदोलन की काफी चिंता है और हमने इन तीनों केंद्रीय कानूनों के खिलाफ राजस्थान में तीन नए कानून बनाए थे जो कि राज्यपाल के पास अटके हुए, तो उनकी क्या मजबूरी है कि वो इन्हें राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा केंद्र सरकार के इस रवैये के कारण ही किसानों में अविश्वास की भावना है और वे आंदोलन कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि अगर सरकार इन कानूनों पर संसद में चर्चा करवाती या उन्हें प्रवर समिति के पास भेज देती तो किसानों में विश्वास बना रहता कि जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जा रही है। केंद्र और भाजपा की आरएसएस वाली सोच का नतीजा पूरा देश भुगत रहा है। केंद्र सरकार न जाने लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाना चाहती है। देश की सरकारी एजेंसियां केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक लिस्ट निकलती है कि किसके यहाँ पर छापा मारना है। वहीं उन्होंने गृह मंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि गृह मंत्री अपने आप को सरदार पटेल समझने लगे हैं।